हेलो एवरीवन, याशिका गग दिस साइड. सो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल. गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना इंस्टाग्राम एड कैंपेन रन करा सकते हैं. हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम एड कैंपेन आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो इन डिटेल, कि किस तरीके से आप बजट, ड्यूरेशन, गोल सेलेक्ट कर सकते हैं. सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज में पता चलेगा. प्रैक्टिकली मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम एड कैंपेन करने का पर्पस क्या होता है एग्जैक्टली, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल विजिट्स बढ़ा सको, अपनी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सको, अपनी रीच बढ़ा सको. बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आप अपनी पोस्ट प्रमोशन जो भी आप कर रहे हो, लाइक अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो, अपने आर्टिकल को कर रहे हो, कोई वेबिनार करा रहे हो, कोई सेमिनार करा रहे हो, सो उस पर्पस के लिए हम प्रमोट करते हैं, हम इंस्टाग्राम फेसबुक एड कैंपेन चलाते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रन इंस्टाग्राम एड कैंपेन एंड इट्स वेरी इजी. और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेगा. तो सबसे पहले उसमें आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है कि आप किस पर्पस से इंस्टाग्राम एड कैंपेन चला रहे हो. प्रोफाइल विजिट के पर्पस से, या फिर मैसेजेस के लिए, या फिर अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स के लिए. देन उसके बाद आपको आपको अपनी टारगेट ऑडियंस चूज़ करनी होती है. देन बजट सेलेक्ट करना होता है कि कितना बजट आपको रखना है, 400, 500, कितने डेज तक रखना है. सो उस हिसाब से आपका टोटल बजट होता है. आफ्टर दैट आपकी पोस्ट, जिस भी पोस्ट को आपको एज एन इंस्टाग्राम एड कैंपेन में यूज़ करना है, आप वो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो. एंड देन आपका ये कंप्लीट हो जाता है. फिर उसके बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो रिव्यू के लिए जाती है. सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी. सो आपको वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है. इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें. सो लेट स्टार्ट प्रैक्टिकल. वी विल ओपन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट. सो दिस वन, माई होम उपचार इज़ माई ओन इंस्टाग्राम पेज एंड हेयर आई विल शेयर माई हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स. सो आई विल, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, आई विल शेयर हाउ यू कैन रन इंस्टाग्राम कैंपेन, राइट. सो दो तरीके हैं, यहाँ से जाके भी आप कर सकते हैं एड टूल्स. इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए. उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. सो इफ़ यू वॉन्ट आई विल शेयर इट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आप सब देखना चाहते हैं तो. सो आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल कि हाउ यू कैन रन इंस्टाग्राम पेज. लाइक ये सारी मेरी पोस्ट हैं, मैं इनमें से कोई भी एक पोस्ट चूज़ कर लेती हूँ एड रन कराने के लिए. जस्ट अ मिनट, आई विल सी हेयर 35 व्यूज. कोई भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. ओके, आई विल टेक दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी पोस्ट है, आपको इस पोस्ट के थ्रू एड रन कराना है, राइट. ये शॉर्ट वीडियो है तो मुझे इसको एज एन एड रन कराना है. सो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में बूस्ट पोस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है. एंड यहाँ पे मैं इसे कह रहे हैं क्लेम योर 300 रुपीज़ एड क्रेडिट. ओके, इट वॉज जस्ट फर्स्ट एड कैंपेन है. सो तो क्रिएट प्रमोशन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है कि किस पर्पस से आप एड रन करा रहे हैं. मोर प्रोफाइल विजिट, की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएँ इस पर्पस से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट विजिट करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलें. सो आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस से आप एड रन करा रहे हैं. सो यहाँ पर मैं मोर वेबसाइट विजिट ले लेती हूँ. ओके, देन यहाँ से आपको अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, टारगेट ऑडियंस. तो इसके लिए आप अपनी ऑटोमेटिक मींस कि आपको जितने लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ही ऐड शो करना चाहते हैं, उन्हीं को सिर्फ टारगेट लेके चल रहे हैं, या फिर अपनी खुद की क्रिएट योर ओन. तो मुझे खुद ओन क्रिएट करनी है. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑडियंस नेम देना है. सो आई विल सेट टारगेट ऑडियंस. ओके, देन लोकेशन, किस लोकेशन के लोगों को आप ये ऐड दिखाना चाहते हैं. सो आई विल शो इट ऑन दिल्ली के लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ. एंड इसके अलावा आप एक दो और ले सकते हैं, लाइक मैं नोएडा के लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ. आप पर्टिकुलर लोकेशन भी ले सकते हैं, मैं तो ओवरऑल सिटी ले रही हूँ. यहाँ पे आप ओवर एक पर्टिकुलर लोकेशन ले सकते हैं, लाइक आप दिल्ली में द्वारका या करोल बाग, जहाँ के भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन के लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं. ओके, सो इट्स फाइन. आप देख सकते हैं
ग्रेट, इट्स 2 करोड़ पीपल, पोटेंशियल पीपल रीच, क्योंकि मैंने दिल्ली एंड नोएडा के लोगों को अगर मैं कवर करती हूँ, सो इट्स 2 करोड़ पीपल. अब इसमें एज एंड जेंडर आपको चूज़ करना है कि किस किस को आपको, मुझे मेल फीमेल बोथ, दोनों जेंडर के, दोनों जेंडर के लोगों को दिखाना है. यहाँ पे जो एज ग्रुप होता है ये 13 to 65 तक के लोग के बीच के लोगों को आप ले सकते हो. सो वैसे तो हेल्थ एंड ब्यूटी रिगार्डिंग है, सो हर एज के इंसान को पता होना चाहिए. मैं सभी को ले रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे चलो 60 तक ले लेते हैं. अब आप देख सकते हो कि जो रीच थी वो कम हो चुकी है, ठीक है. सो इट मैटर्स अ लॉट. यहाँ पे हमने ऑडियंस नेम, लोकेशन, अब यहाँ पे एज एंड जेंडर, यहाँ पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में अगर आप बताते हो इंटरेस्ट, तो ये और स्पेसिफिक हो जाएगा. पोटेंशियल रीच, जो पीपल रीच आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा. यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोगों को दिखाएगा, लाइक जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है. लाइक मैं अगर लिख देती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी लिख दिया मैंने. सो यू सी कि अब हमारा जो पोटेंशियल पीपल रीच है वो कम हो चुका है. हेल्थ एंड वेलनेस भी मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस तेजी के साथ बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है. 79 लाख पीपल्स तक ये पोस्ट जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट. अगर मैं इस इंटरेस्ट के लोगों को चूज़ करती हूँ, लाइक हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड वेलनेस एंड फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस भी मैं ले लेती हूँ. सो आप देख सकते हैं कितना ग्रेट चेंज आया है. 10 लाख हो गया है, ठीक है, मतलब 10 लाख एक्स्ट्रा हो गए हैं, बढ़ गए हैं लोग. तो वो अगर मैं इंटरेस्ट चूज़ नहीं करती हूँ तो 1 करोड़ समथिंग कुछ था जो पहले था. तो इट्स अप टू यू, वो सभी को दिखाता, फिर ये ऐड सभी को दिखता. अब ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही दिखेगा जिनको इसमें इंटरेस्ट है. एज एंड जेंडर मैंने ऑल एज के ले लिए, क्योंकि हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स ये फिटनेस रिगार्डिंग है, तो ये सभी को पता होना इट्स इंपॉर्टेंट. तो मेरी अब ऑडियंस भी क्रिएट हो चुकी है, मीन्स मैंने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं. अब 3rd स्टेप पे हम आते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, बजट एंड ड्यूरेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बजट ही डिसाइड करता है कि कितने लोगों तक आपका एड कैंपेन चलेगा, कितने लोगों तक. जितना आप बजट डिसाइड करोगे, जितने डेज तक आपका कैंपेन चलेगा और जितने बजट में चलेगा, उसके हिसाब से ही आपकी पीपल रीच जाएगी. लाइक 80 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट होता है पर डे का. एंड अगर मैं 80 रुपीज़ से स्टार्ट करती हूँ फॉर 2 डेज, अगर मैं 1 डे करती हूँ तो इट्स वेरी लो बजट और इसमें इतना रिजल्ट हमें शो नहीं होगा. यू जस्ट सी ओनली 640 to 1700 रीच यहाँ पे शो हो रही है, इट्स वेरी लेस. सो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम, 80 नहीं. मैं अगर देखिए, आप खुद सी कर सकते हो कि यहाँ पे रीच में डिफरेंस आ रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है, रीच में डिफरेंस आ रहा है. अगर मैं पर डे का 320 करते तो 10,000 to 27,000 पीपल तक ये हमारे उस एड को दिखाएगा. एंड 4 डेज का 1,280 रुपीज़ होगा, राइट. एंड मैं इसे ओनली 1 डे का करती हूँ, देन इट्स 2,600 से लेके 6,700 लोगों तक ये एड कैंपेन शो होगा, उन लोगों को शो होगा. मीन्स एस्टिमेटेड रीच है इतने लोगों को, इतने लोगों तक वो इंस्टाग्राम इस एड को शो करेगा. ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप. अब हमें कुछ नहीं करना, सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं. यहाँ से हमें पोस्ट बूस्ट कर देने हैं, यहाँ से पेमेंट मेथड चूज़ करना है. पेमेंट करते ही हमारी पोस्ट रिव्यू होनी स्टार्ट हो जाएगी. हमारा जो कैंपेन, हमारा जो ऐड है वो रिव्यू होगा, इंस्टाग्राम उसे चेक करेगा जस्ट कि आपका जो ऐड है वो इंस्टाग्राम की टर्म्स एंड पॉलिसीज को हर्ष तो नहीं कर रहा, ब्रेक तो नहीं कर रहा. सो यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन का पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है. लोकेशन एंड करेंसी इंडिया एंड इंडियन रुपीज़. बिजनेस टैक्स इन्फो, यहाँ पे किस पेमेंट मेथड से, लाइक डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई पेमेंट, पेटीएम, बैंक, जो भी आप उसके थ्रू कर सकते हो. यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे सारी चीज़ें आ जाएंगे. सो इस तरीके से अभी मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं एड बजट जो है वो 320 रुपीज़ एड बजट है. एंड एक्सटीमेट टैक्स जो है वो 57.60 रुपीज़. इट मीन्स टोटल स्पेंड इट्स 377.60 रुपीज़ का. यहाँ से हम बूस्ट कर सकते हैं तो हमारी पोस्ट ही बूस्ट हो जाएगी. नॉन डिस्क्रिमिनेशनल पॉलिसी आई एक्सेप्ट, क्योंकि मेरी पोस्ट जो है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, कहीं
नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रही है, जस्ट मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है एंड पेमेंट मेथड ऐड करते ही मेरा ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड जो होता है मैं बता देती हूँ, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये ऐड जो है सबसे पहले रिव्यू के लिए जाएगा, उसमें जस्ट इंस्टाग्राम यही चेक करेगा कि आप टर्म्स एंड पॉलिसीज को हार्श तो नहीं कर रहे हो, एंड ये विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट वो चेक करता है एक बार। कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि आपके पोस्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है जिससे इंस्टाग्राम अलाउ नहीं कर रहा। सो गाइज आई होप कि आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हुए हों, ये सारी चीज़ें किससे, इट्स वेरी इजी आई थिंक, एंड इसमें कुछ नहीं था, तो आप इस तरीके से इजीली इंस्टाग्राम एड कैंपेन चला सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस इंस्टाग्राम पेज माई होम उपचार, इट्स माई ओन इंस्टाग्राम पेज, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही ये स्टार्ट किया है, एंड मैं बहुत जल्दी एक ई बुक फ्री बुक प्रोवाइड करने वाली हूँ एज अ गिव अवे फॉर द इंस्टाग्राम फैमिली बिकॉज ऑफ इट्स सपोर्ट। अभी मेरे कुछ दिनों में 840 फॉलोअर्स हो गए हैं, एंड बहुत जल्दी आज या कल में 1K हो जाएंगे, then I will share that ebook to all the Instagram members, so I want कि आप सभी भी follow करें and daily health and beauty tips से update रहें। आपको वीडियो पसंद आई हो and आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी हो, सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, आपको वीडियो में कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।